ऑफ लिवर एंड विलियरी साइंसेस के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित दिल्ली के एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना जी, मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी, आईएलबीएस के कुलाधिपति डॉक्टर एस के सरीन जी, कुलपति डॉक्टर दीपक कुमार टेम्पे जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आईएलबीएस की टीम के सदस्यगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार, जोहार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस अवसर पर आईएलबीएस की पूरी टीम को भी मैं साधुवाद देती हूँ। सभी स्टूडेंट्स के परिवारजनों को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। आईएलबीएस ने केवल 13 वर्षों की अवधि में ही अपनी विशेष पहचान बनाई है। इस ख्याति के पीछे आपके संस्थान के विश्वस्तरीय दक्षता और निष्ठा की भूमिका रही है। निरंतर उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और विशेषज्ञता को समृद्ध करने के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। और अत्यंत प्रभावित हुई हूँ कि आईएलबीएस में 1000 से अधिक लीवर ट्रांसप्लांट और लगभग 300 रीनल ट्रांसप्लांट्स किए जा चुके हैं। आपकी सफलता के आंकड़े बहुत प्रभावशाली है। ऐसी उपलब्धियों के लिए मैं आईएलबीएस से जुड़े वर्तमान और पूर्ववर्ती सभी चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टरों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपेक्षाकृत कम खर्चों पर विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके आईएलबीएस जैसे संस्थानों के बल पर भारत एक इंटरनेशनल हेल्थ केयर हब के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबने मेडिकल एजुकेशन में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। यहाँ एक पहचान के लिए आप सबने कई वर्षों तक कड़ा परिश्रम किए हैं, कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं तथा निष्ठापूर्वक मरीजों की सेवा किए हैं। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले 65 स्टूडेंट्स में 37 बेटियां हैं। ये इस तथ्यों का उदाहरण है कि यदि बेटियों को समुचित अवसर मिले तो वे लड़कों से आगे निकल सकते हैं। आज आप सब ने सुपर स्पेशलिस्ट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। आप सब मेडिकल फ्रेटर्निटी के अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। आम बोलचाल की भाषा में कोई कहते हैं कि आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट्स अब बड़े डॉक्टर बन गए हैं। बड़े डॉक्टरों का सम्मान तो अधिक मिलता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मुझे विश्वास है कि आप सब सुपर स्पेशलिस्ट के रूप में पूरी विनम्रता, सेवा भावना और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। लाइफ साइंसेस और आधुनिकतम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जुड़ने से हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। आपके संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग यूनिट की स्थापना एक समयानुकूल पहल है। मैं चाहूँगी कि चिकित्सा के साथ साथ अनुसंधान के क्षेत्र में भी आईएलबीएस में विश्वस्तरीय कार्य होता रहे। देवियों और स्वजनों, हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में वात, पित्त और कफ के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार माना गया है। वायल के असंतुलन को पित्त का कुपित होना कहा जाता है। जठराग्नि के घटने बढ़ने का भी बाइल से सीधा संबंध है। संतुलित जीवन शैली को अपनाने से शरीर का आंतरिक
संतुलन बना रहता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में जीवन शैली के संतुलन को दुख नाशक योग साधना का दर्जा दिया गया है। वहाँ कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना अवधस्य योग भवति दुखोहा। अर्थात समुचित आहार विहार करने वाले, समुचित रूप से कर्मशैली को रहने वाले तथा समुचित समय पर सोने और जागने वाले व्यक्ति के लिए योग दुख नाशक होता है। भारतीय परंपरा में सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है, सर्वे सन्तु निरामय, अर्थात सभी रोगमुक्त रहे। सबके रोगमुक्त होने के लक्ष्य को पाने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रिवेंशन के लिए डॉक्टरों द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक बनाना होगा। लीवर की बीमारियों के प्रिवेंशन में ILVS की टीम में महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा की जाती है। ये कहा जा सकता है कि लीवर हमारे शरीर का सिक्योरिटी गार्ड है। यदि लीवर स्वस्थ और पूर्णतया सक्रिय रहता है तो वो डायबिटिक्स, हार्ट डिजीजेस तथा अनेक लाइफस्टाइल डिजीजेस को शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। हमारे देश में लीवर से जुड़ी स्वास्थ्य से समस्याओं गंभीर है तथा उनके कारण होने वाले रोगों की भारी संख्या चिंताजनक है। पर्याप्त संख्या में ऑर्गान्स की उपलब्ध ना होने के कारण बहुत से मरीज लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट अथवा किसी अन्य ट्रांसप्लांट से वंचित रह जाते हैं। बहुत से मरीज बड़ी कठिनाई और विलंब के बाद ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं। दुर्भाग्य से ऑर्गान डोनेशन से जुड़े अनैतिक कृत्य भी समय समय पर उजागर होते रहते हैं। इन समस्याओं का समाधान करना एक जागरूक समाज की जिम्मेदारी है। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन यानी देहदान के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े से बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक जागरूकता अभियानों का आयोजित करने की आवश्यकता है। डियर डॉक्टर्स एंड नर्सेस, पश्चिम के देशों की परंपरा में एक कहावत सदियों से प्रचलन में रही है कि जिसका लोकप्रिय अंग्रेजी एक कहावत है, फिजिशियन हील दाई सेल्फ। इस कहावत के बहुत से अर्थ निकाली गई है, लेकिन इसका जो अर्थ स्पष्ट दिखाई देता है वो ऑक्सीजन मास्क प्रिंसिपल से मिलता जुलता है। हवाई यात्राओं में ऑक्सीजन मास्क के प्रयोगों के बारे में बताया जाता है कि यात्रीगण पहले स्वयं ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों को सहायता करें। इसके अभिप्राय ये है कि अपनी देखभाल करके ही आप दूसरों की देखभाल करने में सक्षम बने रहेंगे। आप सबके ड्यूटी आवर्स काफ़ी लंबे हो जाती हैं, इमरजेंसी केसेस आती रहती हैं, नाइट शिफ्ट होती रहती है। इन सब चुनौतियों के बीच आप सबको निरंतर पूरी सतर्कता और उत्साह के साथ मरीजों की सेवा करनी होती है। इसीलिए ये जरूरी है कि सभी चुनौतियों के बावजूद आप सब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और सजग बने रहना है। प्यारे विद्यार्थियों, हर क्षेत्र में सक्रिय लोग अपने क्षेत्रों के आइकन तथा रोल मॉडल्स के आदर्शों को अपने सामने रखते हैं। भारत में मेडिकल केयर के क्षेत्र में भारत रत्न के अलंकृत डॉक्टर BC राय ने उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए थे। वे एक बहुत सफल डॉक्टर होने के साथ साथ हमारे स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के कर्तव्य का पूर्णतः पालन करते हुए वो मरीजों की निःशुल्क सेवा भी करते रहते थे। उनके नाम पर दिए जाने वाले डॉक्टर बीसी राय अवार्ड को हमारे देश में डॉक्टरों के लिए अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।
मुझे विश्वास है कि ऐसे उच्च आदर्शों को ध्यान में रखकर आप सब विशेषज्ञता और मानव सेवा के नई प्रतिमान स्थापित करेंगे। मैं आप स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।